पारस पत्थर, किसी भी धातु को सोना बनाने वाला पत्थर। क्या हो अगर आपके हाथ पारस पत्थर लग जाए? सोचिए कि आप क्या करेंगे, उस पारस पत्थर से क्या क्या सोना बनाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको पारस पत्थर की पूरी कहानी बताएंगे कि वो सबसे पहले किसे मिला था, किस किताब की मदद से मिला था, कहाँ कहाँ गया था और किसके पास रहा था, और फिर क्या हुआ उस पत्थर का। आज हम आपको पारस पत्थर का पूरा इतिहास बताएंगे। लेकिन आज हम आपको बता दें कि विज्ञान ने उस तकनीक की खोज कर ली है जिसके जरिए सोने को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा सकता है, वह भी बताएंगे। पारस पत्थर का नाम सुनकर ही दिमाग हवा में उड़ने लगता है, कितना मजेदार लगता है। किसी भी मेटल को उस पत्थर से छुआ तो वो सोना बन जाए, और फिर उस सोने से अपने लाइफस्टाइल को भी सोने का बना लो तो जिंदगी किसी परी कथा की तरह हो जाती है। कुछ ऐसी ही कहानियां हमने किताबों में भी पढ़ी है। दोस्तों, पारस पत्थर की यह कहानी लगभग आज से 2000 साल पहले शुरू हुई थी, जब चेरोमीटा नाम की किताब में इसका जिक्र आया, जिसमें ये लिखा था कि पारस पत्थर वास्तव में ऐसा पत्थर है और वह एक खास प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना है, जिस एलिमेंट से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। 11वीं शताब्दी तक आते आते पूरी दुनिया में पारस पत्थर की कहानी फैल गई और हर व्यक्ति ये चाहता था कि उसकी जेब में पारस पत्थर हो। कोई इस पत्थर के जरिए अमीर होना चाहता था तो कोई अमर होना चाहता था। लोग पारस पत्थर की खोज में लग गए। कुछ तो अपने घर में ही पारस पत्थर बनाने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि अगर लोहे को कांच के बर्तन में मेल्ट किया जाए तो वो सोने में बदल जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 14वीं शताब्दी में पेरिस में रहने वाले एक बुक सेलर निकोलस फ्लेमर के बारे में ये कहा जाने लगा कि उन्होंने पारस पत्थर के रहस्य को सुलझा लिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि फ्लेमर को अपने घर के कबाट में एक ऐसी किताब मिली जिसमें पारस पत्थर का रहस्य छुपा था, जिसकी बदौलत उन्होंने काफी दौलत कमाई। इसके बाद भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया था। आगे चलकर उन्होंने एक विधवा से शादी की और अपनी मौत से पहले सारी संपत्ति दान कर दी। हालांकि उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कहते हैं कि उनकी मौत के बाद उस रहस्यमय किताब का भी कुछ पता नहीं चला। फेमस राइटर जेके रॉलिंग ने अपनी किताब हैरी पॉटर में भी फ्लेमर का जिक्र किया है और उन्होंने फ्लेमर की उम्र 600 साल बताई है। 16वीं शताब्दी तक किसी ने पारस पत्थर के रहस्य को समझने और समझाने की कोशिश नहीं की। लोगों ने मान लिया कि इस पत्थर का रहस्य फ्लेमर के साथ ही चला गया। इसके बाद दुनिया के सामने आए एडवर्ड केली और उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास पारस पत्थर वाली किताब है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसा लाल रंग का पाउडर बनाया जो पारस पत्थर की तरह ही काम करता है, और उन्होंने दावा किया कि उनके पास मौजूद लाल रंग का पाउडर मर्क्यूरी को भी सोने में बदल सकता है। मर्क्यूरी को पारा भी कहा जाता है और कहते हैं कि पारे के नाम से ही इस पत्थर का नाम पारस पत्थर पड़ा। अपने ऐसे ही दावों के चलते एडवर्ड केली पूरी दुनिया में फेमस हो गए और आगे चलकर हंगरी के राजा रुडोल्फ टू का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए। राजा ने उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। कहते हैं कि राजा पारस पत्थर को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि उसने अपनी सारी जायदाद पारस पत्थर की खोज में खर्च कर दी। राजा को महंगी चीजें खरीदने का शौक था और अपने इस शौक के चलते उसने पूरा का पूरा इकोनॉमिकल बजट भी बिगाड़ दिया। इसीलिए उसे इस पत्थर की खास जरूरत थी। केली ने पारस पत्थर को लेकर जो चमत्कार दिखाए उसने केली को तो मालामाल कर दिया, मगर राजा कंगाल हो गया। उसे उसके भाई ने गद्दी से हटाकर जेल में बंद कर दिया। कुछ समय बाद राजा की जेल में ही मृत्यु हो गई। इसके बाद पारस पत्थर की खोज में एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया, जब सर इजैक न्यूटन और रॉबर्ट बॉयल ने पारस पत्थर में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। आपको बता दें कि रॉबर्ट बॉयल को केमिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि मर्क्यूरी के साथ साथ लाइट को भी गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस खबर को जानने के बाद वैज्ञानिक इजैक न्यूटन काफी एक्साइटेड हुए। अब तक उन्होंने ग्रेविटी से रिलेटेड अपने पेपर्स पब्लिश नहीं किए थे। न्यूटन उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद 300 सालों तक पारस पत्थर का रहस्य ही बना रहा। ये साल 1920 का,
जब अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने ये बताया कि दुनिया में हर एक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है और इन परमाणुओं से मिलकर ही ये दुनिया बनी है। उन्होंने देखा कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है और उन्हें ये बताया कि हर एक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु की मध्य में प्रोटॉन होते हैं। यही प्रोटॉन किसी भी तत्व की प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं। रुदरफोर्ड ने बताया कि अगर किसी तत्व पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई जाए तो उस तत्व के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो जाएंगे और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा गया। साल 1980 में बर्कली लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों ने पारस पत्थर के रहस्य को सुलझा लिया। उन्होंने लेबोरेटरी में पारा और लाइट के साथ बिस्मथ को भी गोल्ड में कन्वर्ट किया। शॉर्ट में अगर इनकी प्रोसेस को समझे तो एक पार्टिकल एस्केलेटर की मदद से एक गोलाकार ट्यूब में उन्होंने अल्फा कणों की बौछार लाइट की स्पीड से बिस्मथ के परमाणुओं के ऊपर की। इसकी वजह से इसमें भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस हुई और फिर बिस्मथ के परमाणु गोल्ड में कन्वर्ट हो गए। इस पूरी प्रोसेस में गोल्ड के हजार परमाणु बनाए गए, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में गोल्ड के जो परमाणु बने उनकी संख्या काफी कम थी। ये सभी परमाणु रेडियो एक्टिव थे और इतने परमाणुओं को बनाने के लिए $5,000 का खर्च आया। पारस पत्थर की खोज में कई लोगों का अहम योगदान था, जो दूसरे कई लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाया और अपना उल्लू सीधा किया। फ्लेमल कभी भी अमर नहीं थे, उसकी मृत्यु 80 साल में हुई थी। कहा जाता है कि उन्हें जो किताब मिली थी उसका नाम द बुक ऑफ अब्राहम था, जो गोल्ड में लिखी गई थी, और उसे समझने में फ्लेमल को 21 साल का समय लगा। और उन्हें पारस पत्थर की किताब की वजह से दौलत नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने जिस विधवा से शादी की थी उसका नाम बर्लिन था और बर्लिन के पहले दो पति काफी अमीर थे। उनकी ही दौलत बर्लिन को मिली थी और वही दौलत फ्लेमल के पास आई। जेके रॉलिंग ने इस किताब के बारे में अपनी पुस्तक हैरी पॉटर में लिखा है। पारस पत्थर के रहस्य के नाम पर सबसे ज्यादा फायदा एडवर्ड केली ने उठाया। उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया और उनसे अपना उल्लू सीधा किया। उनके सबसे बड़े शिकार हंगरी के राजा रुडोल्फ II थे, जिन्होंने उनके चक्कर में पड़कर अपनी पूरी जायदाद लुटा दी और इसका फायदा केली को हुआ। अपने अंतिम समय में जेल में रहते हुए राजा रुडोल्फ अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। कहते हैं कि जब उन्होंने जेल से भागने की कोशिश की, इसी दौरान उनकी मृत्यु हुई। एडवर्ड केली की भी काफी दुर्गति हुई। उन पर आरोप था कि वो हर जगह ये बात कहते घूमते थे कि रानी एलिजाबेथ लोहे को सोने में बदलने में उनकी मदद लेती है, जिसके चलते सन 1588 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात सही है कि बिस्मथ जैसे एलिमेंट को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक एलिमेंट को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी खर्चीली और महंगी है कि इसे व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भले ही पारस पत्थर एक परिकल्पना हो, लेकिन पारस पत्थर की खोज करने वालों ने आज विज्ञान को जो दिशा दिखाई है, इसके चलते चलते धीरे धीरे हमें एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करने में सफल हुए हैं और इसके सीक्रेट को भी जान गए। हालांकि पारस पत्थर के साथ और भी रहस्य और रोमांचक कहानियां जुड़ी हुई है और कई बार पारस पत्थर के नाम से दुनिया को बेवकूफ बनाने वालों की भी कमी नहीं है। वैसे आप पारस पत्थर के बारे में क्या सोचते हैं? यदि आपको पारस पत्थर मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? दोस्तों, इतिहास की ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स विथ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए।